जी हाँ दोस्तों, वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे सिहाब भाई के सफर को लेकर। सिहाब भाई इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? सिहाब भाई ने कितना सफर तय कर लिया? अभी इराक पहुँचने में कितना सफर बाकी है? तो मेरे दोस्तों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वीडियो बहुत ही छोटी होगी। जो भी अपडेट है सिहाब भाई को लेकर वो इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सब जो है हमारे चैनल पर काफी प्यार सपोर्ट मोहब्बत करते हो, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दोस्तों दो तीन दिन से यूट्यूब पे नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है अब है इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों आज हमारे सिहाब भाई की एक वीडियो आई थी, यानी सिहाब भाई जो है ईरान में सफर करते हुए एक गाँव में थे, यानी गाँव पड़ता है अहमदाबाद, उसका नाम है ईरान में। तो वहां से हमारे सिहाब भाई लाइव आए थे। दोस्तों खुशखबरी भी है दोस्तों और एक बैड न्यूज है। खुशखबरी यह है कि दोस्तों हमारे सिहाब भाई ने 10 से 12 दिन के अंदर अंदर इराक बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्तों एक बार आप ये वीडियो भी देखिए। मैं अभी ईरान में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्रन। इंशाल्लाह बाकी 10 दिन का अंदर, 10-12 दिन का अंदर इंशाल्लाह मैं इराक बॉर्डर में पहुँचेगा इंशाल्लाह। अभी मैं ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दुआ में याद रखना सब लोग, मैं भी दुआ करेगा, पूरा दुनिया के लिए दुआ करेगा। सर आपका इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम गया इंस्टाग्राम आईडी हाकाई पोईकणे, अद 7 പ്രാവശ്യം ഇപ്പോ ഇന്നലത്തെ അടക്കം 8 9 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഹാക്കായി പോയിരുന്നു। आपका फेस ब्लैक हो गया है? यस ब्लैक हो गया। पूरा हिंदुस्तान के लिए मैं दुआ करेगा, पूरा दुनिया के लिए इंशाल्लाह मैं दुआ करेगा। आप लोग मेरे लिए दुआ करो। अभी मैं अभी अहमदाबाद, ये रास्ता का नाम, ये गांव का नाम अहमदाबाद है इधर ईरान में। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सैयदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या कल्बी या उयूनी या हयाती या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों हमारे सिहाब भाई ने बताया कि मुझे इराक बॉर्डर पर पहुंचने के लिए तकरीबन जो है 10 से 12 दिन लगेंगे। तो खुशखबरी है दोस्तों, ईरान का सफर कंप्लीट हो जाएगा और सिहाब भाई जो है इराक में अपना सफर शुरू करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों बैड न्यूज ये है कि सिहाब भाई की इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो हैक हो चुकी है, वो उस पर जो भी पोस्ट थी, वीडियो थी, वो सब जो है डिलीट हो चुकी है, भी चेंज हो गई है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमारे सिहाब भाई के फ्लावर जो है दोस्तों 5.1 मिलियन थे। तो इतने फ्लावर बनाना है बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये बहुत दुख की बात है। जिसने भी किया बहुत बुरा किया, ठीक है, और बस इतना ही कह सकते हैं। तो दोस्तों सिहाब भाई ने तकरीबन 400 से लेके 450 के करीब जो है सफ़र भी मुकम्मल कर लिया है दोस्तों। और ज़्यादा दिन तकरीबन दोस्तों अब 410 के करीब जो है सफ़र रह चुका है। और सिहाब भाई ने बताया कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर सफ़र पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों आप सब जो है सिहाब भाई के लिए दिल से दुआ करें दोस्तों, और ताकि उनका सफ़र आसान हो मेरे दोस्तों। और काफ़ी टाइम तो जाया हो ही चुका है, ये तो आपने पता ही है दोस्तों। तो बस हम सब ने, आप सब ने मिलकर जो है भाई के लिए दुआ करनी, ताकि सफ़र जल्द से जल्द पूरा हो और अपनी मंजिल पर पहुँचे, ठीक है। और आप सब जो है दोस्तों काफ़ी प्यार सपोर्ट करते हो, ये तो आपने पता ही है। थोड़ा सा YouTube की पॉलिसी के द्वारा डिमोनेटाइज है चैनल, क्योंकि कुछ वीडियो जो है डिलीट करनी पड़ेगी, व्यूज कम है, लेकिन आप सब जो है अभी मुझे सपोर्ट करते हो, तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं दिल से, ठीक है। तो दोस्तों नई अपडेट में मिलेंगे, बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो अपना ख्याल रखें, अपनों ख्याल रखें, हमेशा खुश रहिए।